हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डीडी फ्री डिश पर आने वाले दो नए चैनलों के बारे में बात करेंगे। कौन से चैनल होंगे और कब डीडी फ्री डिश पर लॉन्च होंगे, पूरी जानकारी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले डीडी फ्री डिश की ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शिमारो नेटवर्क दो नए चैनल लॉन्च करने जा रहा है। फ्रेंड्स, पहले चैनल का नाम है शिमारो क्लासिक और दूसरा चैनल का नाम है शिमारो बॉलीवुड। फ्रेंड्स, शिमारो क्लासिक चैनल म्यूजिक चैनल के रूप में देखने को मिल रहा है और शिमारो बॉलीवुड हिंदी मूवीज चैनल के रूप में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अभी ये दोनों चैनल टेस्टिंग में चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे शिमारो क्लासिक और शिमारो बॉलीवुड टेस्टिंग के रूप में कहां देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बिग डिश एंटीना है, मिनिमम 6 फीट का डिश का एंटीना है, तो आप इन चैनल को GSAT 3083 ईस्ट सैटेलाइट 5G फिल्टर LNB यूज करनी होगी। मतलब सी बैंड का डिश एंटीना और 5G फिल्टर LNB होना जरूरी है, तभी आप इन चैनल को देख पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास MPEG-2 का सेटअप बॉक्स है और 2 फीट का डिश एंटीना है, तो अभी आप इन चैनल को डीडी फ्री डिश पर नहीं देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन चैनल को अगले साल 2024 में होने वाले एनुअल ई ऑक्शन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको डीडी फ्री डिश पर देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी शिमारो क्लासिक चैनल पुराने सॉन्ग दिखा रहा है, लेकिन जब ये चैनल पूरी तरह से डीडी फ्री डिश पर लॉन्च होगा, तब हो सकता है जी क्लासिक की तरह पुरानी क्लासिक फिल्में दिखाना शुरू कर सकता है, क्योंकि शिमारो नेटवर्क के पास सबसे ज्यादा मूवीज की लाइब्रेरी है और शिमारो बॉलीवुड जी सिनेमा की तरह नई फिल्में दिखा सकता है। अगर ये चैनल डीडी फ्री डिश पर लॉन्च होते हैं, तो ये गोल्ड माइंस बॉलीवुड, स्टार उत्सव मूवीज, जी अनमोल सिनेमा और सोनी वाह को कॉम्पिटिशन देकर कमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।